या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणु संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। This film is dedicated to late Padma Shri Shashadhar Mukherjee, our beloved father. He also gave birth to galaxy of stars, directors, music directors and technicians. In a span of over 50 years, he gave immortal films like Kismat, Chal Chal Re Naujawan, Shaheed, Shehnai, Sindoor, Shabnam, Samadhi, Sargam, Anarkali, Nagin, Jagriti, Nastik, Munimji, Tumsa Nahi Dekha, Dil Deke Dekho, Love in Simla, Ek Musafir Ek Haseena, Hum Hindustani, Chaila Babu, and Leader. Now he offers you his last offering, पत्थर के इंसान। भैया साइन कर दो जल्दी। हाँ नमस्ते। शुक्रिया। आराम प्रसाद नियान। दादा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसके लिए दवाइयां खरीदनी है, इस बार मैं चंदा नहीं दे पाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। देता है ग्रेनेड। अरे जालिम ऊपर वाले से तो डर। अरे ऊपर वाला तो हमसे डरता है साला, इसीलिए तो धरती पे कोई अवतार नहीं उतरता। बोल देता है ग्रेनेड। बोल अल्लाह ऐ परवरदिगार, दिन में 5 बार मुआजिन ये ऐलान करता है कि तू सबसे बड़ा कारसाज है। अगर ये सच है तो इस फिरौन को पामाल करने के लिए इस दौर के मूसा को भेज, जो हम गरीबों का मुआफिज बन के आए और इन जालिमों पर मौत का कहर बनकर छा जाए। अबे वो बुड्ढे, क्या ये तेरी मदद करेगा? क्या ये जानता नहीं कि मौत का दूसरा नाम है महेश?
मुझे कसम है इस मजदूर के बहते हुए खून की। मैंने भी तुम्हारी लाशों को बेचकर इसके जख्म का मरहम नहीं खरीदा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। सर हम कह रहे हैं नीचे एक गुंडा मजदूरों को मार रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। व्हाट? जी रश्मि, कॉल इंस्पेक्टर करण इमीडिएटली। ये राय इंडस्ट्रीज का कंपाउंड है, कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं। भगवान नाम बता अपना। अर्जुन, मैं इन गुंडों को कलयुग में सत्युग के महाभारत का पाठ पढ़ा रहा था। जानते हो इस गलती का अंजाम क्या होगा? अंजाम की फिक्र नेहरू और गांधी भी करते हैं, तो इस वक्त तुम्हारे शरीर पर हिंदुस्तानी नहीं अंग्रेजी गुलामी की वर्दी होती। खामोश! उपदेश और आदर्शवादी बातें करने से इंसान के औकात नहीं बदल जाते। इंस्पेक्टर, ये शख्स मेरी फैक्ट्री में बदल नहीं फैला रहा है। अरेस्ट हिम! आप मुझे गलत समझ रहे हैं राय साहब। सच तो ये है कि आपकी इस कंपनी में कुछ ऐसे राक्षस हैं जो इन गरीब मजदूरों की कमाई ही नहीं बल्कि इनकी नसों का खून और शरीर का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए इन मजदूरों से। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बताया तो कसम से बाल बच्चों समेत बस्ती चला दूंगा। अगर तुम्हारी दलीलें दुरुस्त साबित हुई तो मैं उन लोगों का वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर किसी चौराहे पर भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और अगर तुम्हारे अल्फाज गलत साबित हुए तो आज के बाद तुम अपनी जबान और इन बाजुओं की ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। मुझे मंजूर है। क्या आप लोगों पर इन लोगों में से किसी ने हाथ उठाया है, कोई जुल्म ज्यादती या अत्याचार किया है? चाचा आप ही बताइए आपके माथे पर यह जख्म कैसे लगा? मैं बताती हूं। तुम क्यों बताती बहन? मैं बताता हूं साहब, मुझे जरा सा चक्कर आ गया था, स्टूल से टकरा गया और मैं गिर गया। लेकिन सच बात तो ये है, ये लोग तो हमारे रक्षक हैं। सुना ये क्या कह रहे हैं? बेटे करण, ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुजरिम को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सॉरी अंकल, हथकड़ी मुजरिम को पहनाई जाती है, मुजरिम को नहीं। मतलब? मतलब ये कि किसी मुजरिम में इतनी ताकत नहीं कि वो कानून की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। यहां इन तमाम लोगों की झुकी हुई गर्दन इस बात का सबूत है कि इन लोगों में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं, जबकि इस शख्स का हर शब्द सच्चाई का प्रतीक है। रमेश अंकल, करण, शब्दों की तलवार से तुम इस मुजरिम की हथकड़ियां तो काट सकते हो, मगर बलवंत राय के फैसले को इधर से उधर करना तुम्हारे बस की बात नहीं। एंड एज़ फॉर यू यंग मैन, आज के बाद अगर इस फैक्ट्री के आसपास तुम्हारी परछाई भी दिखाई दी गई तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड मी? नाउ गेट आउट। माफ करना दोस्त, जेल के सलाखों से तो बचा लिया लेकिन नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हथकड़ी पहनाकर मुजरिम तो नहीं बना सके, हाथ मिलाकर दोस्त तो बना सकते हो। सोच लो दोस्त, यह हाथ दुश्मनों की तरफ मौत बनकर बढ़ सकता है और दोस्तों की तरफ जिंदगी। तो आओ फिर आज जिंदगी पर दोस्ती की मोहर लगा दें। हे माँ, तू तो अंतर्यामी है, फिर मेरे मन की मुराद कब पूरी करेगी? उम्र की तमाम सीमाएं पार कर ली है मैंने, बस यही एक अरमान है कि मौत की चौखट छूने से पहले मैं अपने बेटे का चेहरा देख लूं। मुझे एक चांसी बहू दे दे माँ, मुझे एक चांसी बहू दे दे। ए रामू! माँ, ये रामू का माँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? माँ मेरा गन बेल्ट कहाँ है? वो क्या पड़ी है? मगर तुझे नजर आए तो ना। ये रामू के बच्चे ने मेरी टोपी कहाँ रख दी माँ? ये देख, तुझे देख रही है,
इसीलिए कहती हूँ एक चांद सी बहू लिया, अब मुझसे ये सब नहीं होता। तो जल्दी से आशीर्वाद दे दे माँ, और वो फूल दे दे जो तू भगवान की चरणों में रखने के बाद मुझे देती है। परसों से तेरा ये सिलसिला देख रही हूँ, रोज तू ये फूल किसी को देने के लिए ले जाता है और बिना दिए ही वापस ले आता है। कहने को तो बड़े बड़े मुजरिम पकड़ता है, मगर एक लड़की की बात थाम कर ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अरे माँ, मुजरिमों की बात थामना, उनकी कलाई पकड़ना बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बट लड़कियों की बात थाम कर उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना बहुत मुश्किल है माँ। चल हट, मुझे बहुत काम पड़ेगा। Thank you.
मेमोरी खुलती नहीं ये जुबान। बचपन तो उम्र की सरहद पार करके जवान हो गया, लेकिन मैं वो खामोशी की लकीर ना पार कर सका जो हमेशा हम दोनों के बीच रही। क्या मेरी मोहब्बत उस आईने की तरह है जिसमें मैं तुम्हारी तस्वीर देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता? राय साहब, आज तो आपने हमारी आधी बैंक खाली कर दी। हाँ भाई, अपने फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए मकान बनवाने हैं तो जमीन खरीदनी है, इसी ले जा रहे हैं। मेरे हवाले कर दो वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। यहाँ नहीं, जंगल की तरफ चलो। किसने रोका हमारा रास्ता? इंसानी खाल में छिपे हुए भेड़ियों की खाल निकालने वाले लोग, अपने माथे से इल्जामों को मिटाने वाले लोग। अबे उठाइए लकड़ी का टुकड़ा वरना दुनिया से उठा दूंगा। मैं जंगल की ही नहीं चिता की लकड़ियां काटना भी जानता हूं। वाह वाह बजरंग बली, तूने तो भेज दिया इंडियन ब्रूसली। ये रहा आपके आसीन का सांप। Thank you.
जाइए राय साहब, रास्ता साफ है। बेटे तुमने इन गुंडों से मुझे बचा लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इससे पहले मैं तुम्हें सही तरह पहचान नहीं सका। तुम्हारे खून की तो क्या, तुम्हारे पसीने के चंद कतरों की भी कीमत में नहीं दे सकता। मगर लो, इस बैग में से जितना चाहो अपना हक समझ के ले लो। मुझे अफसोस ये है राय साहब कि आप उन अमीरों में से निकले जो दौलत की तलवार से गरीबों के जज्बात को लहूलुहान करना जानते हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाना नहीं। अगर आप मेरे फर्ज को कर समझ कर उतारना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आप इतने अमीर नहीं। मगर मेरी बात तो सुनो, ये तुम्हारे मजबूत हाथ सिर्फ दरख्त काटने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इन हाथों से जिम्मेदारी की बागडोर संभालो और कामयाबी की मंजिल हासिल करो। एक बार, सिर्फ एक बार अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं तुम्हारे मुकद्दर की लकीरें बदल के रखूंगा। कुछ फैसले दिमाग से नहीं दिल से होते हैं। आज से इस घर की इज्जत और इसकी जिम्मेदारियों में तुम हमारे साथ शामिल हो। आओ हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। भाई साहब, अभी अभी मैंने किसी लड़की की चीख सुनी है, ऐसी खौफनाक चीख जैसे किसी लड़की का खून किया गया हो, और वो चीख इसी हवेली से बुलंद हुई है। मैं जानता हूं ये चीखें अब इस हवेली का मुकद्दर बन चुकी हैं। मैं कुछ समझा नहीं राय साहब। तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने माजी का वो पन्ना खोलना पड़ेगा जिसमें मेरी बदनसीबियों की दास्तान लहू और आंसू से लिखी हुई है। ये उस जमाने की बात है जब मैं अपनी बीवी और दो बच्चियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। पिताजी की ये बेइंतहा दौलत और बीवी बच्चों का प्यार, सब कुछ नसीब था, मगर किस्मत को गवारा नहीं था। 19 दिसंबर की रात मैं अपनी बीवी के साथ न्यूयॉर्क जा रहा था कि अचानक हमारा प्लेन क्रैश हुआ और यह खबर बिजली की तरह पिताजी पे गिरी। मैं राय बहादुर दीनानाथ ये वसीयत करता हूं कि मेरे देहांत के बाद मेरी सारी दौलत और जायदाद की वारिस मेरी दोनों पोतियां लता और सीता राय होंगी। चूंकि ये अभी नाबालिग हैं, इसलिए मैं सारी दौलत और जायदाद की निगरानी और जिम्मेदारी बतौर ट्रस्टी अपने फैमिली डॉक्टर प्रशांत को सौंपता हूँ। 18 साल की हो जाने के बाद ये सारी जायदाद लता और सीता में बराबर बराबर तकसीम हो जाएंगी। मेरी पत्नी तो उस क्रैश में हलाक हो ही गई थी और भगवान ने पिताजी को भी छीन लिया। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सीता और लता। शाबाश शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। Now, young ladies, both of you have grown up now. तुम दोनों बालिग हो चुकी हो और ये सारी जायदाद भी तुम्हारी हो गई है। अब ये बताओ डैडी को कि तुम इस दौलत को कैसे इस्तेमाल करोगे। सीता, पहले तुम। डैडी, मैं संगीत का प्रचार करने के लिए देश के कोने कोने में संगीत विद्यालय खोलूंगी। A music academy in every city. Good. और मैं नृत्य क्लासेस, क्योंकि संस्कृति और कला को पेश करने के लिए इससे अच्छा और कोई क्षेत्र नहीं। गलत, संगीत के बगैर नृत्य अधूरा है, क्योंकि प्रकृति की बुनियाद संगीत पर बैठी है। You're wrong. डैडी आप ही बताइए, कृष्ण को मीरा के गीत अच्छे लगते थे या राधा का नृत्य? राधा का नृत्य। गुड। विश्वामित्र के भक्ति को भंग करने वाली एक नर्तकी थी या एक गायिका? नर्तकी। तो आप ही बताइए डैडी, संगीत ज्यादा अच्छा लगता है या नृत्य? नृत्य। थैंक यू डैडी। मैं जानती थी आप इसी का साथ देंगे कि आपकी लाडली बेटी जो ठहरी
ये क्या कह रही हो तुम? I love you both, यार। लेकिन आपके फैसले हमेशा इसी के हक में होते हैं। Hold it. इसका फैसला तो कल के म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में होगा कि तुम्हारा ख्याल गलत है या अंकल का फैसला। All the best, लता। Thank you. Best of luck, दीदी।
के पार जहाँ मुझे किसी से हारने का खौफ ना हो। कौन कहता है तुम हार गई दीदी, कौन कहता है? मेरे मुकद्दर ने मेरे साथ धोखा किया और तेरी जीत ने एक बार फिर मेरा मजाक उड़ाया। मेरी जिंदगी का तार उस सितार के साथ ही टूट गया। लेकिन तू जब तक जिंदा रहेगी मौत तेरा मजाक उड़ाएगी। खुमरों की झनकार मेरी मौत की चीख बनकर तेरे कानों में गूंजेगी। मैं इस जिंदगी में तो नहीं जीत सकी लेकिन मौत को गले लगाकर अपनी तकदीर को तो हरा सकती हूँ। रुक जाओ सीता। सीता की मौत ने लता को पागल कर दिया। वो आज तक अपने आप को उसका कातिल समझती है। अर्जुन, इस शहर के हर उस कोने तक जहां तक मेरी बच्ची की निगाहें जा सकती हैं, सब उसकी मिल्कियत है, सब उसके नाम है। ये दौलत, ये कोठियां सब उसकी हैं, मगर मेरी नजर में मेरी बच्ची से ज्यादा बदनसीब और गरीब लड़की इस दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए मैं उसे बंद करके रखता हूं। राय साहब, अब तक मैं आपको एक मगरूर दौलतमंद समझता था, लेकिन आज यह एहसास हुआ कि इस अमीर शख्स के पीछे एक मजलूम बाप भी है जो तकदीर के कई सितम बर्दाश्त कर चुका है। आप लता को कैद में क्यों रखते हैं? जब भी उसे गुजरे हुए लम्हे याद आते वो अपनी जान लेने की कोशिश करती। हौसला रखिए राय साहब, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्कार। मॉर्निंग जी। सर वो क्या सरप्राइज है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया अंकल? बेटे करण, तुम्हारा तजुर्बा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अर्जुन वाकई एक बहादुर और शरीफ इंसान है और इस वक्त वो हमारे साथ इस घर में है। रियली? कहाँ है वो? नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं ओहो Thank you.
चौखट को छूते हुए लोग कहां पूछते हैं? उस घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कैसे की तूने? मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा साले। नहीं, छोड़ दो इसे करण। मुझे मालूम नहीं था कि जिन हाथों से तुमने मेरी जिंदगी की हिफाजत की थी उन्हीं हाथों से तुम मेरी इज्जत पे वार करोगे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं राय साहब। खामोश। शर्म माननी चाहिए तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ बलात्कार करते हुए जो सिर्फ काबिले रहमी नहीं बल्कि पागल भी है। राय साहब, आपकी बेटी पागल नहीं है। क्या मतलब? क्या बक रहे हो? दुनिया का कोई मुल्क, कोई अस्पताल नहीं बचा जहां के बड़े बड़े डॉक्टरों ने लता को ठीक करने की कोशिश न की हो, और तुम जो साइंस की एबीसी भी नहीं जानते कहते हो कि लता पागल ही। मैं आपके फैसले पर एतराज नहीं करता डॉक्टर साहब, लेकिन सच तो यह है कि जब मैंने लता की इज्जत लूटने का ढोंग किया। क्या? हाँ, यह सब ढोंग था। हा? उसने अपनी हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की। अगर यह पागल होती तो मुझे रोकने की कोशिश हरगिज नहीं करती। और राय साहब, जो लड़की इज्जत और जिल्लत के फर्क को महसूस कर सकती है वो पागल नहीं हो सकती। देयर इज अ पॉइंट। तुम्हारे तजुर्बे ने मेरी सोच को एक नया रुख दिया है। आपका मतलब है कि लता ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर किसी तरह लता के दिलो दिमाग से पुराने हादसों के नामो निशान मिटा दिए जाएं, तो वो नॉर्मल हो सकती है। रियली? हाँ। मगर ये सब कुछ तुम कर कैसे सकोगे? राय साहब, मैं लता को कैद की इन जंजीरों से आजाद करके खुली वादियों में ले जाऊंगा, जहां कुदरत के हसीन नजारे इसकी उदास जिंदगी को खुशियों के रंग से भर देंगे। शौक हवा के झोंके इसके मन के तारों को गुदगुदाएंगे, और सावन की रिमझिम घुंघरू बनकर इसके कदमों से लपट जाएगी। La 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 la
Yeah.
आपको मैंने कहीं देखा है? हाँ। आप मेरे पिताजी? हाँ। डैडी। अरे माँ, बहुत खुशी की बात है। लता की दिमाग की हालत एकदम सुधर रही है, उसकी याददाश्त वापस आ रही है माँ। सच? अब मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा माँ। किस ख्वाबों को हकीकत में बदल? माँ, वो जो मैं तुझसे फूल ले जाया करता था जिस लड़की के लिए, बचपन से लेके अब तक मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वो कोई और नहीं लता है माँ। सच? यहाँ हे माँ, तुमने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। अब मैं अपने होने वाली बहू को ये माला अर्पण करूंगी। माँ, कल लता का जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दे माँ, ताकि मैं अपना प्यार और तेरा ये फूल उसे अर्पण कर सकूं। ये ले बेटा। मेरे अजीज दोस्तों, आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीम दिन है, क्योंकि मुद्दतों के बाद अपनी बेटी की मुस्कुराहटों और अपने दिल की आरजुओं को आपके साथ मिलकर बांटना चाहता हूं। अभी जी, केक काटो। Many happy returns of the day. मैंने सीता को खून नहीं किया। लता? मैं जानता हूँ लता। नहीं। मगर हुआ क्या? मेरी सीता। मारो मुझे। मैंने खून नहीं किया। नहीं किया। लाओ ये छुरी मुझे दो। मेरे प्यार पे विश्वास नहीं तुम्हें? अर्जुन की बाहों में जमाने का कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। कौन है ये आदमी? राय साहब का नया मैनेजर। इसकी ये हिम्मत कि भरी महफिल में राय साहब की लड़की को गले लगाए? जिन हाथों ने तुझे गरीबी की दलदल से निकाल कर अपने पहलू में जगह दी, आज भरी महफिल में तूने उन्हीं के मुंह पर काली पोत दी। अरे कमबख्त, लोग तो अपने घर की चाबी तक किसी को नहीं देते, पर इन्होंने तुझे अपने घर की इज्जत हवाले कर दी और उसका ये सिरा दिया तूने। गेट आउट फ्रॉम हियर। बस बहुत हो चुका साहब। इंसान को इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि उसके जिस्म से पैसे की बू आने लगे। हम गरीब जरूर हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इतने खुदगर्ज नहीं कि अपने घरों में रोशनी करने के लिए किसी गरीब का घर जला दें। अगर अपनी दौलत पर इतना ही घमंड है तो जाओ दुनिया के किसी भी बाजार से इस घर की खुशियां और इस मासूम की मुस्कुराहट खरीद लो। और डॉक्टर साहब, इंसान का दिल को इंजेक्शन या दवाई की बोतल नहीं जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाए। जिंदगी के उस मोड़ पर जब आपकी कोशिशें और दौलत दोनों बेकार हो जाएं, उस दिन आपको अर्जुन बहुत याद आएगा। आपको अर्जुन बहुत याद आएगा साहब। शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं, फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। नाउ यू रिलैक्स माय चाइल्ड। भाई साहब, हो सके तो अब आप भी आराम कीजिए। कैसे आराम करूं डॉक्टर साहब? सुना था कि जब बेटी जवान होती है तो बाप की नींद उचाट हो जाती है।
मगर जब बेटी जवानी में पागल हो ऐसा आंखों का पानी तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकता। भगवान की शायद यही मर्जी थी। तकदीर का लिखने वाला भगवान अगर एक बाप होता तो मैं उसे अपनी अदालत में ले आता और उससे पूछता कि बताओ किस जुर्म की सजा भुगत रही मेरी बच्ची, किसके सुकून छीना था इसकी मुस्कुराहट ने। डॉक्टर साहब क्या क्या सपने सजाए थे मैंने। कैसा उम्मीद की एक किरण नजर आती है। आप आइए मेरे साथ, एक बात बताऊं आपको। कुछ अरसा पहले जर्मनी में एक ऐसी लड़की की शादी कर दी गई जो दिमागी मरीज थी। जी हाँ, और शादी के कुछ ही महीने बाद जब उस लड़की को यह एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली गई, और बच्चे को जन्म देने के बाद तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। राय साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमारी लता बेटी की शादी कर दी जाए। पागल लड़की से कौन करेगा शादी? क्या बात करते हैं राय साहब, कौन नहीं करेगा आपकी बेटी से शादी, बस सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देने की देर है। इश्तिहार देने की देर? वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, किसी जमीन का टुकड़ा नहीं कि मैं उसकी नीलामी के लिए अखबारों में इश्तिहार देता फिरूं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मोहब्बत का पुजारी हो, दौलत का नहीं, इंसानियत जिसका मजहब हो और शराफत जिसका धर्म। लेकिन इस कलयुग में ऐसा इंसान मिलेगा कहां? मिल गया। यह शादी नहीं हो सकती मां, यह शादी नहीं हो सकती। आज राय साहब के सामने मैं वो राज बयान कर दूंगा मां, जो बचपन से मैंने अपने सीने में दबाए रखा है। बेटी, क्या राय साहब के सामने तेरी जुबान दिल का साथ दे पाएगी? बिल्कुल मां, अगर राज जबान ने दिल का साथ नहीं दिया मां तो सब्र का बारूद मेरे जज्बात में आग लगा देगा। बेटे करण, इतनी रात गए? यह शादी नहीं हो सकती अंकल, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों कहो, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं लता से, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, औरों की तरह तुम्हें भी मेरे फैसले पर एतराज है, लेकिन मैं दुनिया वालों की कसौटी पे अपनी बच्ची की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। क्योंकि जिंदगी के उन लम्हों में जबकि न सिर्फ हालात ने बल्कि तकदीर ने उसे ठुकरा दिया था, सिर्फ एक आदमी था जिसने उसे सहारा दिया, जिस लड़की को पागल समझ के सारा जमाना उससे दामन छुड़ाता फिरता था, उसी लड़की को उसने अपने सीने से लगाया। मोहब्बत, प्यार, एहसास, जज्बात, जो शब्द हम सिर्फ इस्तेमाल करते, उसने उनका स्पर्श मेरी बच्ची के दिल में जगाया। सब्र और बर्दाश्त की सारी आजमाइशों से गुजर कर मेरा यह नतीजा है कि अर्जुन, सिर्फ अर्जुन एक ऐसा इंसान है जिसके कदमों में मेरी बच्ची का जीवन स्वर्ग बन सकता है। अब बोलो करण, अब भी तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है? नहीं अंकल, मैं कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गया था, लेकिन अब लता की खुशी के लिए मैं आपके फैसले और उस पवित्र बंधन की रक्षा करने की सौगंध खाता हूं। थैंक यू। हाँ, इन्हें आशीर्वाद नहीं दोगे?
आज तुम सुहागन बनी हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा था। माँ काली हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे क्या कर रही हो तुम? No!
मुबारक हो। राय खानदान की सारी जायदाद और दौलत के इकलौती वारिस लता से शादी करके तुम शहर के सबसे बड़े रईस आदमी बन चुके हो। आज से तुम इस कुर्सी पर बैठोगे और अब इस कंपनी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कांधों पे। या मुबारक हो अर्जुन बेटे। थैंक यू। अच्छा अब हमें इजाजत दो, हमें रामगढ़ जाना है। रामगढ़? हाँ भाई, इस फैक्ट्री की एक ब्रांच रायगढ़ में भी है जहाँ हर महीने की 10 तारीख को मजदूरों का पेमेंट लेकर राय साहब खुद जाते हैं। बट डोंट वरी, कल मैं आ जाऊंगा मगर मेरी गैर हाजिरी में लता का। अरे हाँ, याद आया भाई, हमारी लता बेटी कैसी है? बहुत खुश। रियली? हाँ अंकल, ये उसकी खुशी नहीं तो और क्या है कि वो हर शाम सुहाग का जोड़ा पहन लेती है और पूरे कमरे को फूलों से सजाने को कहती है। शायद वो शादी की खुशी को भुलाना नहीं चाहती। और आज से उसकी सारी खुशियों को पूरा करना तुम्हारा जिम्मा। That's it. Of course. Okay, I'm off. Bye. Bye. अर्जुन, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई। राय साहब आज शहर से बाहर जा रहे हैं, कल लौट कर आएंगे। यानी आज की रात लता की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। क्या? मैं समझने लगा था कि लता ठीक हो चुकी है। कल रात वो पागलपन के जुनून में
कमरे से बाहर निकली, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया और हवेली से बाहर भाग गया। साहब, ये सच है राय साहब? क्या सच है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या? मैंने तो मेम साहब को रोकने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने मुझे बंद करिए बकवास। करण बेटे, तू बता ये सच है? अंकल आई एम सॉरी, ये हकीकत है। लता ने वहीं से खुदकुशी की जहां से सीता ने की थी, जिसका सबूत ये चुन्नी है जो मुझे वहां से मिली। गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, जुर्म की शतरंज पर हमारी दूसरी चाल भी कामयाब हो गई। लता की मौत के बाद उसकी सारी दौलत अब अर्जुन के नाम हो चुकी है। बहुत जल्द वो दौलत हमारे कब्जे में हो जाएगी। बस सिर्फ इंस्पेक्टर करण से लता का डेथ सर्टिफिकेट मिलने की देर है। Yes, sir. It's a case of murder. कौन हो सकता है सर? कातिल मेरी नजरों में है और हथकड़ी मेरी जेब में। आपने मुझे याद किया इंस्पेक्टर। करण ने तो अर्जुन को हर रणभूमि में याद किया है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या कलयुग का पुलिस स्टेशन। युग कोई भी हो इंस्पेक्टर, जीत हमेशा अर्जुन की होगी। उसका फैसला भी हो जाएगा। आप बैठिए, मैं राम सिंह का बयान लेकर आता हूं। ये कैसी मशीन है साहब? ये वो मशीन है जिसका कनेक्शन शरीर से लगने के बाद इंसान भगवान से तो झूठ बोल सकता है लेकिन पुलिस वालों से नहीं। अब जो जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा उसका जवाब सच देना, वरना इसकी घंटी बजेगी जिसका कनेक्शन तुम्हारे दिलो दिमाग से है। जी साहब। राम सिंह, उस रात तुमने हवेली में क्या देखा? साहब, हमने देखा कि लता मेम साहब अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई। हमने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने हमें दोनों हाथ से घुमा दिया और किसी भारी चीज से वार किया।
किस हाथ से वार किया था? जी दाहिने हाथ से। बाएं हाथ से किया था। मेरे ख्याल से दाहिने हाथ से किया था। अच्छी तरह सोचकर बताओ किस हाथ से वार किया था। साहब हमें कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर लता ने तुम्हें दोनों हाथ से पकड़ा था तो वार क्या तीसरे हाथ से किया था? नहीं, इसका मतलब उस रात हवेली में तुम्हारे अलावा कोई और भी था। साहब हम सच कह रहे हैं, हमारे और लता मेम साहब के अलावा कोई नहीं था बंगले में। झूठ मत बोलो राम सिंह। उस रात हवेली में तुम्हारे साथ कौन था? सोचकर बताओ, अच्छी तरह सोचकर बताओ। अर्जुन साहब। आइए मिस्टर अर्जुन। क्या इसे लगाना जरूरी है? यस मिस्टर अर्जुन, आपके बयान की सच्चाई तो इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है। वुड यू लाइक टू स्मोक? मैं सिगरेट नहीं पीता। तो शायद आप ये सिगरेट पीते होंगे। मैंने कहा ना, मैं सिगरेट नहीं पीता। लता की मौत कैसे हुई? मुझे नहीं मालूम। जिस वक्त वो हवेली से भागी उस वक्त मैं बेहोश था। आंख बंद करके निशाना लगाना अर्जुन का शौक रहा है, लेकिन तुम इंस्पेक्टर करण की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बता लता का खून किसने किया? इंस्पेक्टर, ये मेरा गिरेबान है, तुम्हारी माशूका का आंचल नहीं। अब मैं तुझे बताता हूं, ये गर्मी तेरी वर्दी की है या तेरी आशिकी की? बोल, बोलता क्यों नहीं? दरअसल तू लता से प्यार करता था। बोलिए, सच्चा या झूठ? जवाब दे। खामोश क्यों है? जब तू उसे हासिल ना कर सका तो मुझे उसका कातिल साबित करके तू अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहता है। बोलिए, सच्चा या झूठ? कह दे कि तू आज भी उसे प्यार नहीं करता। कह दे कि उसे हासिल करने की आज भी तेरी तमन्ना नहीं है। बोलिए, सच्चा या झूठ? अरे तू क्या जवाब देगा? तेरी खामोशी तेरे गुनहगार होने का सबूत है। इंस्पेक्टर करण, यस सर, तुम्हारे शक और मेरी तहकीकात का रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजे पर जाकर खत्म होता है। आओ मेरे साथ। राय साहब, लता। हाँ बेटे, जितना ताज्जुब तुम्हें हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हैरत और खुशी तो मुझे हुई थी लता को जिंदा देख के। और ये है वो मछेरे जो मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बचा के ले आए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि लता आपको कहां और कैसे मिली? ये सब तो उस काली माई की कृपा है जो उस तूफानी रात में बहती हुई हमारे जाल में आ फंसी और हमने इन्हें बाहर निकाल लिया। माँ तेरा आशीर्वाद काम आया। चार दिन माँ काली के शरण में रहने के बाद इन्हें होश आया और हम इन्हें यहाँ ले आए। डैडी, क्या यही मेरे पति है? हाँ बेटी, यही अर्जुन तुम्हारे पति। लता की मौत एक हादसा थी लेकिन उसकी जिंदगी भगवान का एक करिश्मा है। अरे उस हादसे में उसके सर पे ऐसी चोट आई कि वो नॉर्मल हो गई। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझकर कमरे में कैद करके रखा था तो तुमने मुझे आजाद करके अपने दिल में जगह दी, एक नई जिंदगी, नया प्यार दिया मुझे। तुम इंसान नहीं, मेरे मेरे भगवान। नहीं लता, नहीं, तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे दिल में है।
दिल की दीवारें बहुत कमजोर होती है अर्जुन बाबू। करण तुम, अगर तुम्हें मेरा नाम याद है तो तुम्हें यह भी याद होगा कि उस रात तुम पागलपन के जुनून में वहां खाई तक गई थी। खाई? क्या बात कर रहे हो? या किसी की साजिश ने तुम्हें वहां जाने पर मजबूर किया था? साजिश? नहीं। याद करो ना। मुझे कुछ मालूम नहीं। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है, जब मैं होश में आई मैं तो इन मच्छरों की बस्ती में थी। इसके सिवा मुझे। इंस्पेक्टर, ये जानते हुए कि मेरी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, ऐसे बेहुदा सवाल पूछने का मतलब क्या है? मतलब है मिस्टर अर्जुन, क्योंकि लता ने खुदकुशी की नहीं थी, उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी। मुझे मारने की कोशिश की? कौन है वो? वही जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। कातिल का पहला वार तो खाली गया, लेकिन वो दोबारा कोशिश जरूर करेगा, इसलिए अपने साय पर भी भरोसा मत करना लता। ये मेरा मशवरा नहीं, चेतावनी है। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, तुम्हारे मशवरे या चेतावनी देने से कातिल का इरादा बदल नहीं जाएगा, और तुम यहां अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कातिल की तलाश करो। रही बात मेरी पत्नी की, उसकी हिफाजत के लिए अर्जुन अभी जिंदा है। आओ लता। छोड़ चला राहों में क्यों, बाहों में क्यों, आ जा
सिगरेट की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जो शहर के किसी क्रिमिनल या कातिल से नहीं मिलती और मिलेगी भी नहीं क्योंकि मैं जानता हूं ये सिगरेट और फिंगरप्रिंट किस मुजरिम के हैं। ज्योति ज्योति, अरे खुशखबरी, अरे हम तेरी शादी पक्की कर आए हैं और शादी की खरीदारी के लिए हम दोनों कल शहर चलेंगे। ये देखिए बाबूजी, सुहाग का जोड़ा जिसके चारों तरफ जरी की लड़ी और बाकी साड़ी है फूलों से भरी, इसे पहनकर आपकी बहन ऐसे लगेगी जैसे इंद्रलोक की अप्सरा अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आई हो। लाओ तो जरा देखें। अरे वाह, सच कहा भैया, इसे पहनकर तो हमारी बहना सचमुच की अप्सरा लागे। क्या कीमत है इसकी? सिर्फ आपके लिए 850 रुपए। हाय राम, ये तो बहुत महंगी है भैया। अरे कोई महंगी वहंगी नहीं, और तू काहे को फिक्र करत है? अरे तेरे भैया के पास इतने रुपए हैं कि तुझे सोने से पीला करके चांदी की पालकी में विदा कर सकत है। इदेख, इदेख, इदेख। हाय राम, इतने रुपए, इसे कहाँ से आए भैया? अरे तू काहे ही जानना चाहती है, तू 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 कपड़े पसंद कर। तुम्हें हमार सर की सौगंद भैया, पहले ये बताओ इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे इसमें सौगंद देने की क्या बात है? अरे बेटी और बहन की शादी तो वो पुण्य है जिसे कमाई की खातिर एक बाप और भाई अपनी जिंदगी भर की पूंजी लुटाई सकते हैं। ये रुपया तो हम अपना घर जमीन बेचकर लाए हैं। का हमार लगन खाते तुम घर जमीन नीलाम कर दिया और हमको बताया तक नहीं? तुम क्या समझते हो तू का बेघर करके हम उस हवेली में चैन से जी पाएंगे? अरे लानत है ऐसी शादी पर जिसके हवन कुंड में हमारे भैया का घर जमीन जल जाए। ये हमार सुहाग का जोड़ा नहीं, तुम्हार बर्बादी का कफन है भैया, जिसे हम कभी नहीं पहनेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे ज्योति, ज्योति, अरे ज्योति रुक जाओ। बहुत प्यार करते हैं हमसे और हम भी इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी जाते हैं इसे। ज्योति, ज्योति। ज्योति, 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 अरे रुक जाओ, अरे
रुक जाओ, अरे रुको। अरे हटो हटो, हमारी बहना है ये। ज्योति 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 ज्योति, आंखें खोलो ज्योति ज्योति, होश में आओ होश में आओ होश में आओ ज्योति ज्योति ज्योति। नहीं क्या बात, क्या हो गया साहब? राय साहब की बेटी ने इस गरीब लड़की की जान ले ली। लता ने? जाओ नौजवान, तुम्हारा हर बढ़ता कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। राय साहब की बेटी की जिंदगी लेकर तुम अपना इंतकाम तो पूरा कर लोगे, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में फांसी के फंदे के सिवा और कुछ नहीं होगा। हमारा मुकद्दर तो बहन की चिता के साथ जल गया साहब, अब फांसी का खौफ हमारे इरादे को बदल नहीं सकता। कसम भगवान की, बहन की चिता ठंडी होने से पहले हम राय साहब की बेटी को मौत के घाट उतार देंगे। क्या आप पागलों की सी बात करते हो, तुम राय साहब की बेटी तो क्या उसके साए तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम मेरे कहे मुताबिक चले तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें राय बहादुर के घर तक पहुंचा दूंगा। तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें फांसी के फंदे से भी बचा लूंगा। इस मेहरबानी का कारण सिर्फ इतना कि तुम्हें राय साहब की बेटी की जिंदगी चाहिए और मुझे उसकी दौलत। कल 10 तारीख है, राय साहब की जगह इस बार तुम रामगढ़ जाओगे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिसे पिलाते ही राय बहादुर अपने बिस्तर से हिल नहीं सकेंगे। यहां से ट्रेन ठीक शाम को 7 बजे छूटती है। खानपुर स्टेशन आने से पहले ही चलती ट्रेन से तुम कूद जाओगे जहां रीटा जीप लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जीप में बैठकर तुम सीधे हवेली आओगे। रात के ठीक 9 बजे मैं फोन करूंगा जिसे उठाने के लिए लता बैल्कनी में आएगी और तुम उसी वक्त उसे अपनी गोली का शिकार बनाओगे। रीटा की जीप में बैठकर इस पुल से होते हुए जूनागढ़ स्टेशन पर तुम फिर से उसी ट्रेन में चढ़ जाओगे और कल सुबह जब तुम रायगढ़ स्टेशन पहुंचोगे तो इंस्पेक्टर करण तुम्हें यह खबर देगा कि तुम्हारी पत्नी लता का खून हो चुका है। दवा कुछ अजीब सी है, जलन सी हो रही है। मेरे ख्याल में इस बार मैं रामगढ़ नहीं जा पाऊंगा। आपको जाना भी नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। आखिर इस घर की जिम्मेदारी में मैं भी बराबर का शरीक हूं। Really? Thanks. इस घर की जिम्मेदारी निभाने पहली बार आप इस घर से बाहर जा रहे हैं। आपके मंगल कामना के लिए आरती उतार रही हूँ ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्या बात? अंकल अर्जुन कहाँ है? वो तो आज शाम की गाड़ी से रामगढ़ गया है। और लता? वो अपने कमरे में है। लेकिन हर महीने के 10 तारीख को तो आप जाते हैं ना? हाँ बेटे, जाने वाले तो थे मगर हमारी तबीयत आज जरा खराब हो गई तो हमने दवा पी ली। दवा पीने से तबीयत और खराब हो गई। दवा आपको अर्जुन ने दी थी? हाँ, क्यों? इसका मतलब है तीर कमान से निकल चुका अंकल। इसका मतलब क्या? कहना क्या चाह रहे हो आप? नहीं समझेंगे अंकल। जाओ। यस सर। इस हवेली को चारों तरफ से घेर लो। मुझे पूरा यकीन है कि अर्जुन आज ही रात को हमला करेगा।
जीवन
करण, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं उस मुजरिम का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचाऊं जिसने लता पर गोली चलाई। क्या? लता पर हमला हुआ है और तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम साबित क्या करना चाहते हो इंस्पेक्टर, कि लता का कातिल मैं हूं? बोलो। शक की आग ने तुम्हारे अकल के परतों को जलाकर खाक कर दिया है, जो तुम एक निर्दोष मुजरिम में फर्क महसूस नहीं कर सकते। मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे गर्दन से फांसी का फंदा उतना ही दूर है जितना कि मेरे हाथ से ये सिगरेट पैकेट। मे आई हैव अ लाइट प्लीज? से प्यार करता था, वो मेरी मोहब्बत थी, अगर आज मेरे जिस्म पर कानून की ये वर्दी नहीं होती तो इस वक्त मेरे जिस्म में जिंदगी नहीं होती। बेवकूफ आशिक, मैं तो अपना इंतकाम पूरा कर चुका हूं, लेकिन अब तू अपनी इस वर्दी के सितारे उतार कर अपनी मोहब्बत की अर्थी पर चढ़ा देना, क्योंकि अब तेरे कंधों में इन्हें संभालने की ताकत नहीं। लता राय बहादुर बलवंत राय की बेटी, अपने देहांत के बाद अपनी सारी दौलत और जायदाद का वारिस अपने पति अर्जुन को करार देती हूँ, और भगवान न करे उन्हें भी कुछ हो गया तो सारी जायदाद की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रशांत को सौंपती हूँ, जो राय खानदान के ट्रस्टी हैं। ये वसीयत मैं अपने पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हेलो हेलो अंकल, अर्जुन है वहाँ? रॉन्ग नंबर, कमिंग टू कैच यू। मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर है। ये क्या कर रहा है बेटा, तू जख्मी है? मां लता की जान खतरे में है, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उसकी जान बचा सकूं। ये ले बेटा। क्या हुआ? इंस्पेक्टर करण मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहां आ रहा है। ओह माय गॉड, वो यहां पहुंचे उससे पहले तुम यहां से फरार हो जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते भाई, कैसे आना हुआ आप लोगों का? आज काली माँ की पूजा है। हाँ। इस शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि मेम साहब हमारी बस्ती के मंदिर में आए। हाँ। जिससे हमारा मान भी बढ़ जाएगा और काली माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी। बस यही एक मौका है अर्जुन, तुम काली मंदिर जाने के बहाने लता को घर से बाहर ले जाकर उसका काम तमाम कर सकते हो। ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी इस हवेली के बाहर जाएगी ही नहीं, मैं एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता, मैं मजबूर। आपका इनकार बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ले जाने के लिए आपको एतराज नहीं करना चाहिए, मैं उसे खुद ले जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। देखो अर्जुन, तुम लता के पति हो, मैं उसका पिता हूं, और ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है, मैं ये इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। लता कहीं नहीं जाएगी। मैं जरूर जाऊंगी। अर्जुन का प्यार और काली माँ का आशीर्वाद ही तो था जिसने कातिल की गोली को मेरे सीने से लौटा दिया। मैं तो खुद काली माँ के दर्शन करना चाहती हूँ, हो सकता है
उन्हीं के चरणों में जाकर मेरी जिंदगी और मौत का राज खुल सके। क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवाई? इस जगह से मेरे अतीत का बड़ा गहरा संबंध है। ये वही जगह है जहां से गुजरने के बाद मेरी जिंदगी बदनसीबी के अंधेरों में खो गई। सुनिए भाई साहब। जी कहिए बहन जी। कुछ महीने पहले इसी सड़क पर एक लड़की का कार से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, इसी सड़क। हाँ, हुआ तो था। क्या बता सकते हैं वो लड़की कौन थी, अब कहाँ रहती है? अरे वो बेचारी तो उसी वक्त भगवान को प्यारी होगी बहन जी। उस लड़की का एक भाई भी था जो बिल्कुल इसी बाबू की तरह लंबा चौड़ा था, जो बड़े अरमानों से मेरी दुकान पर अपनी बहन के सुहाग का जोड़ा खरीदने आया था। लेकिन दुर्भाग्य से वही सुहाग का जोड़ा उस बेचारी का कफन बन गया और वो भाई अपनी बहन की लाश को देखकर पागल सा हो गया। अरे गांव से डोली में विदा करने का अरमान लेकर आया था, अर्थी को कांधा देकर शमशान तक ले गया। सुना है कार चलाने वाली किसी करोड़पति बाप की बेटी थी। लता, लता, लता रुक जाओ, लता, लता, लता रुक जाओ। ऐसा तुमने क्या सुन लिया जिसे तुम बर्दाश्त ना कर सकी? अरे शहर में गरीबों की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है जिसके लिए एक करोड़पति बाप की बेटी अपनी आंसू बर्बाद करे। क्या आंसू तो कुछ भी नहीं, उस भाई की आंखों से क्या सैलाब बहा होगा जिसने अपनी इकलौती बहन की चिता को अपने हाथों से आंखें दी होगी। वो बेचारे तो मर गए, लेकिन लेकिन उस भाई का क्या हुआ होगा जिसे सहारा देने के लिए ना किसी का कंधा रहा और ना आंसू पोंछने के लिए किसी का आंचल। अगर उस लड़की का भाई कहीं मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी की हर खुशी हर सुख उसके कदमों में रखकर उसके सारे दुख ले लूं, उसके सारे दुख ले लूं। और अगर वो भाई अपनी बहन की जान के बदले तुम्हारी जान मांग ले तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूं। शायद इसी तरह उस भाई के दिल में शांति और सीता दीदी के गुनाह का प्रायश्चित हो सके। ये तुम क्या कर रही हो? एक ऐसी सच्चाई जो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। मुझे अच्छी तरह याद है उस रोज सीता अपने हार के जुनून में मौत की तरफ बढ़ रही थी और अचानक वो लड़की सीता की कार से टकरा गई। मैं चाहकर भी उस घायल लड़की की मदद ना कर सकी क्योंकि इस वक्त और आज मुझे ये मालूम हुआ कि वो बदनसीब सीता की कार से टकरा कर मर चुकी है। वो बेचारी मर चुकी है। हे भगवान, ज्योति की मौत सीता की कार से टकरा कर हुई और मैं आज तक इस निर्दोष को अपनी बहन का कातिल समझकर इसका कत्ल करने पर तुला हुआ था और आज मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ले जाकर इसकी बलि चढ़ाने जा रहा था। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी, वरना आज अनर्थ हो जाता। माँ, आज अनर्थ हो जाता। चलो लता, घर चले। क्यों, तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे? क्या मतलब? मैं जानती हूँ अर्जुन कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो और ये बात मैं काली माँ के मंदिर में होश में आती ही जान चुकी थी। क्या? अगर तुम ये जानती थी कि मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूँ तो आज तक तुमने इंस्पेक्टर करण के सामने मुझे कातिल क्यों नहीं ठहराया? इस गुनेगार, इस पापी के गले में फांसी के फंदे की जगह उसके चरणों में अपने प्यार और श्रद्धा के फूल क्यों चढ़ाए? बताओ क्यों, क्यों?
इसलिए कि तुम मेरे पति हो, मेरी जिंदगी, मेरे सुहाग हो। ये जानते हुए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, फिर भी मैं हर कदम हर डगर तुम्हारे साथ चलती रही, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। लेकिन लेकिन तुम्हें जीत न सकी। शायद मेरे दामन में वो फूल ही नहीं थे जिसे मैं अपने अपने देवता के चरणों में अर्पण कर सकती। मैं हार गई अर्जुन, मैं हार गई। मुझे तुम्हारे दिल में रहने का सौभाग्य ना मिल सका, लेकिन मुझे अपनी नफरत का शराब तो न दो। कसम इस सिंदूर की, मुझे तुम्हारे हाथों से मरने का कोई गम नहीं। लेकिन लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार इतना तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है। तुम जानना चाहती हो ना, क्यों आज तक मैंने तुम्हारे प्यार और श्रद्धा को स्वीकार नहीं किया? क्यों तुम्हारी मांग में सुहाग के तारों की जगह नफरत की चिंगारियां भर दी? क्यों अपनी पत्नी होने के बावजूद मैंने तुम्हें मार डालना चाहा? सिर्फ इसलिए कि आज तक मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझता रहा, क्योंकि उस बदनसीब लड़की का भाई मैं ही हूं। अर्जुन मेरी बेटी को कत्ल करना चाहता? जी हाँ, जैसे आप भगवान का अवतार समझ रहे हैं, वही राक्षस आपकी बेटी का कातिल है। ओह माय गॉड, वो तो मेरी बच्ची को काली मंदिर ले गया है। जिस तरह पिटे हुए मोहरों की शतरंज में जरूरत नहीं होती, उसी तरह लता की नई वसीयत के बाद अर्जुन की भी मुझको कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन लता का खून करेगा और मैं अर्जुन को रास्ते से हटा दूंगा, और उन दोनों की मौत के बाद सारी दौलत मेरी मुट्ठी में होगी।
सा बनाया।
काली मां के हाथों में महेशासुर की जगह तेरी गर्दन होगी। रुक जाओ वहीं। बेटे कर तुम भगवान का अवतार बनकर आए हो, वरना ये शैतान तो मेरी जान ही ले लेता। ये झूठ है। शट अप। लेकिन आप यहां कैसे? हाँ बेटी, मुझे इसकी साजिश का पता चल गया था, इसलिए मैं लता बेटी की जान बचाने आया था, और ये कमबख्त मेरे खून का प्यासा हो गया। अर्जुन! भाई साहब ये हाँ। लता कहाँ है? वो रही। ओह माय गॉड, देखा, इसने लता बेटी को इस कदर जख्मी कर दिया है कि वो जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रही। करण, इसकी बात का यकीन मत करना। जो जुर्म की शतरंज मोरों से नहीं, इंसान की जिंदगियों से खेलता है, मेरी सच्चाई का यकीन करो। ये सारे गुंडे इसी के आदमी हैं। बॉस, अब अपना सारा खेल खत्म हो चुका है। बेहतर ये होगा कि हम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दें। सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। आज का तेरा ये नाटक है। करण, ये सब गलत है। तेरा खेल खत्म हो चुका है। तूने नाम बदल कर राय साहब जैसे देवता का विश्वास लूटा है। बोलिए सच है ये झूठ? करण मेरी बात सुन। तूने लता को यहां लाकर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश की। बोलिए सच है या झूठ? बोल। है, लेकिन मेरी बात तो सुन। लता की हालत बहुत नाजुक है, उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अर्जुन, इसे कहते हैं शे और मात। जो काम मैं करना चाहता था वो इंस्पेक्टर करण ने और भी आसान कर दिया। अब लता को अस्पताल ले जाने के बहाने मैं रास्ते में उसे मार डालूंगा, उसके खून के जुर्म में फांसी तुझे लगेगी, और कानून को फांसी के लिए मुजरिम की गर्दन नहीं चाहिए, उसके हाथ नहीं। यही हाथ मुझ पर उठे थे ना। गुड बाय। करण बेटे, मैं लता को अस्पताल ले जाता हूं, तुम अर्जुन को गिरफ्तार करो। मां,
क्या यह सजा मुझे इसलिए मिली है कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने तेरे चरणों में आया था? हाथों में अग्नि लेकर एक नेक इंसान बनने की प्रतिज्ञा की थी। अगर यही तेरी इच्छा और इंसाफ है मां, तो मेरे शरीर की बाकी सांसें भी छीन ले, या फिर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उस पापी से अपनी पत्नी की रक्षा कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दे मां, मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे मां, मुझे शक्ति दे मां। You are under arrest. हट जा मेरे रास्ते से करण। I said you are under arrest. आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। दोस्त, अब तू मुझे फांसी पे भी चढ़ा दे तो मुझे कोई गम नहीं। नहीं दोस्त, मुझे और शर्मिंदा मत कर। तूने सच कहा था, यह कोई भी हो, जीत हमेशा अर्जुन की होगी। और तूने भी तो कहा था कि ये हाथ दुश्मनों के लिए मौत बनकर बढ़ते हैं और दोस्तों के लिए जिंदगी। तो आज फिर जिंदगी पर दोस्ती की मोहर लगाते हैं। तूने क्या किया कर? ये तूने क्या किया? अर्जुन, ये तो हमें था, ये तो हमें था अर्जुन। इस युद्ध में करण को तो मरना ही था, लेकिन लेकिन खुशी की बात तो ये है कि मेरी मां तेरे काम तो आई। लता, लता, भगवान तुम दोनों को सुख। हमने बहा के खून तेरा आशियां सवारा, मुद्दत के बाद हमने इस कर्ज को उतारा।
हम तो चले हैं जानिबे मंजिल ये सोचकर, अब तो रहे सलामत बस कुछ सिता तुम्हारा।